ये डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कुपवारा और 21 RR जो फौज का यूनिट है यहाँ पे हंडवारा में भगतपुरा, उसके इश्तराक से यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया था। इसमें फौज के जवानों ने, रेड क्रॉस के कुछ रजाकारों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। तो आज मैंने यहाँ पे 60वां पॉइंट अपना ब्लड डोनेट किया है। बिल्कुल ब्लड देने से कोई मसला नहीं बन जाता है किसी के लिए। अगर कोई भी इंसान, कोई भी चाहे, मतलब मैं खासकर नौजवान की बात करूँगा, मतलब जो यूथ है यहाँ पे, उनको लगता है डर कि अगर हम ब्लड दे देंगे हमारे, हमें कमज़ोरी आएगी या खुदा ना खास्ता हमें कम हो जाएगा, ये कोई मतलब मसला ही नहीं है। ब्लड देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे मतलब अगर इंसान ब्लड डोनेट करेगा उसको कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं होती। मेरा नाम उबैद सिकंदर खान और मैं यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर से हूँ। हम पैशनेटली वर्क कर रहे हैं पब्लिक के लिए फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। आज यहाँ पर इंडियन आर्मी ने और रेड ब्लड क्रॉस ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे जो आज यंग जो यूथ है और इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कल को यही ब्लड किसी की जान बचाने में काम आ सकता है। क्योंकि हम डे बाई डे देख रहे हैं एक्सटेंडेड केस या कुछ ऐसे इमरजेंसी केस सामने आ रहे हैं जिनमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कल यही ब्लड किसी की जान बचा सकता है। जैसे अगर आपकी लोकेलिटी में या किसी ऐसी जगह पर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर आप जो ब्लड डोनेट करोगे क्या पता कल वो किसी की जान बचाए। मिलके हमने किया टू रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवारा एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवारा। तो हमारा जो ब्लड सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवारा में फंक्शन करता है, इट्स ए 24/7 फैसिलिटी। तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो इस ब्लड के लिए हमें अक्सर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशन मतलब आर्मी, CRPF, पुलिस, NGO।